हेलो स्टूडेंट्स, तो आज देख लेते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी यूनिट 7 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। ये वो क्वेश्चन है जो इस साल पक्का पेपर में फंसेंगे, ना मानो आप देख लेना जब पेपर आए। तो चलिए साहब, मैं पहला क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ और पहले क्वेश्चन में करवाता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है थायोफिन तथा पायरोल में कौन सा परमाणु हेट्रो परमाणु है, यानी कि आपने थायोफिन भी पढ़ रखा है, आपने पायरोल भी पढ़ रखा है, आपने पीरीडीन भी पढ़ रखा है, आपने फ्यूरेन भी पढ़ रखा है, ठीक है। इन सब में एक हेट्रो, इसमें एक हेट्रो एटम्स होता है। अब बताना है आपको कि कौन सा हेट्रो एटम्स यहाँ प्रेजेंट होगा आपका। देखो एक बार मैं बता दूं आपको, थायोफिन, थायो मतलब सल्फर, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है हेट्रो एटम, पायरोल में नाइट्रोजन होता है, पीरीडीन में नाइट्रोजन होता है और फ्यूरेन में ऑक्सीजन एटम होता है। अब जरा देख के बताओ कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्षा, आपने इसका आंसर नहीं टिक कराया, ठीक है। चलो देख लें एक बार इस चीज़ को, थायोफिन तथा पायरोल में कौन सा परमाणु हेट्रो एटम है, तो मेरे पास कौन सा बेटा, सल्फर और नाइट्रोजन, इसे राइट आंसर है, ठीक है। चलिए साहब, निम्नलिखित में से कौन सी रिंग 5 मेंबर नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत है आपके पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सी रिंग 5 मेंबर नहीं है, तो कौन सी रिंग 5 मेंबर नहीं है। देखो पायरोल भी 5 मेंबर होता है, फ्यूरान भी, जो फुरान होता है वो भी 5 मेंबर होता है, थायोफिन भी 5 मेंबर होता है, लेकिन पीरीडीन जो होता है वो 5 मेंबर नहीं होता, ये 6 मेंबर होता है। मतलब है हमारा राइट आंसर ये वाला है, ठीक है। तो ये 5 मेंबर नहीं है, ठीक है, ये 5 मेंबर नहीं होता। चलिए साहब देख लेते हैं, इमली में पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर आप लगा के आए हैं इसका, ठीक है। इमली में पाया जाता है, क्या पाया जाता है इमली में, इमली में क्या पाया जाता है। वर्षा, आपने इसका आंसर गलत लगाया, इसका आंसर आपने पायरोल लगाया, आपकी कौन सा आंसर हमारे पास, पीरीडीन है, ठीक है। इमली में पाया जाता है क्या, इमली में पाया जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है टार्टोरिक एसिड इसमें, ठीक है। इमली में टार्टोरिक एसिड पाया जाता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बड़ा कवर करवाया था, मैंने किसे याद कर लो ठीक से, इमली हो गया, नींबू हो गया, ठीक है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, दही में पूछ सकता है कि दही में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये सबको पता है आपको। मधुमक्खी के डंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ये सब। टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसो क्यूनोलीन में पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। वर्षा, आप गलत इसका आंसर लगाई हैं, आपने लगाया है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि ये आइसो क्यूनोलीन होता है उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप चेक कर लें, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो आइसो क्यूनोलीन में हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद कर लो बढ़िया करके, और हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले, क्योंकि ये आ चुके हैं, ठीक है। आप डरना मत, घबराना मत इन चीज़ों से, सबसे सिंपल से क्वेश्चन मुझे यही वाले लगते हैं, ठीक है। चलिए साहब, दी गई संरचना में नाम से, दी गई संरचना किस नाम से जानी जाती है, बताइए ज़रा किस नाम से जानी जाती है, किस किस को याद है, किस किस ने पढ़ रखा अब तक, ठीक है। तो क्या इंडोल नाम से जानी जाती है, क्या बेंजोफ्यूरिन नाम से जानी जाती है, कार्बोजोल और मेलेनाइट, जरा एक बार दिमाग लगा लो बेटे। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड शायद ही आपने पिछली क्लास में पढ़ा हो, 12th क्लास में, तो इसका नाम और निशान मिटा हुआ है, बस थोड़ा बहुत दे रखा कि भाई हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, एक दो एग्जाम्पल होगा, निपटा दिया, बोले जाओ भैया हो गया काम यहाँ तक। लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी कथा पढ़नी पड़ रही है हमें शुरू से लेके लास्ट तक, ले भैया पायरोल भी है, फ्यूरेन भी है, पीरीडीन भी है, आइसोक्यूनोलीन भी है, अरे क्यूनोलीन भी है यार, इंडोल भी है, पता नहीं कौन कौन से कंपाउंड भर रखे हैं। पर मज़ा तभी आएगा जब थ्योरी पढ़ लोगे आप, जिसने थ्योरी पढ़ रखी है ना सच में, वो उसके लिए एमसीक्यू कुछ नहीं होते, क्योंकि उसी थ्योरी से तो ये एमसीक्यू निकालता है। चलिए साहब, इसका राइट आंसर बता दे कौन सा होगा, तो दी गई संरचना किस नाम से जानी जाती है, तो भैया ये संरचना है मेरे पास, और ये संरचना किस नाम से जानी जाती है, जल्दी बताओ, बेंजोफ्यूरेन राइट आंसर है, बिल्कुल बेंजोफ्यूरेन, ठीक है, सही टिक लगा है यहाँ, बेंजोफ्यूरेन। अच्छा देखो जरा, निम्न में से कौन एरोमेटिक होगी, क्या लग रहा है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा भाई, इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो इसका राइट आंसर है मेरे पास पीरीडीन। पीरीडीन क्या होता है बेटा, एक एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसीलिए क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आप ये टिक लगाइए तो गड़बड़ है, ये टिक लगा बताना भैया ये गलत है बिल्कुल, हमारा राइट आंसर कौन सा है, पीरीडीन, ठीक है। मोनोटप्रीन में कितनी आइसोप्रीन इकाई है, ये यूनिट 8 का मैंने क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। तो मोनोटप्रीन में कितनी आइसोप्रीन इकाई है, कितनी होती है, तो मोनोटप्रीन जो होता है वो 2 आइसोप्रीन इकाई से मिलकर बना होता है, 2 से। और भैया वर्षा, आप लगाइए इसका 3rd, गलत है बिल्कुल, उसी नंबर लगाइए हम, गलत है भैया। तो इंडोल है, इंडोल क्या है, क्या लग रहा है आपको, इंडोल है, इंडोल कौन सा कंपाउंड है। देखो जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आप टिक कैसे लगा सकते हो, आप खुद दिमाग से सोच सकते हो कि जब तक हमारा फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक हम टिक कैसे लगा सकते हैं। आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज आते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को टिक लगवा देते हैं, उनका काम हो जाता है।
10-20 क्वेश्चन लगवा दिए, काम हो गया, ठीक है। लेकिन भैया अधिकांश जगह ऐसा होता है कि कोई बताना नहीं चाहता कि यार इसका राइट आंसर ये है, इसका राइट आंसर ये है, कि करो खुद करो, ठीक है, करो या मरो, वो वाला होता है, करो या मरो, हमारे बस की बात कुछ नहीं है, ये हो जाता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेज बता देते हैं इसका राइट आंसर कि भाई ये होगा, लगवा देते हैं कि ठीक है। चलिए साहब बताओ जरा, इंडोल है, इंडोल का मतलब कौन सा कंपाउंड है? हमारा जो कंपाउंड है ना ये वाला, ये बेटा ये क्या, इंडोल कंपाउंड है, याद कर लियो। हमारा नंबर कौन सा, डी नंबर राइट है, इंडोल कंपाउंड। 8 क्वेश्चन है, 8 के 8 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जो पेपर हो चुके हैं 2023-24 के पेपर हो चुका है, उसमें आ चुके हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए साहब देखो जरा एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड पूछे हैं नहीं पूछे हैं, सारे क्वेश्चन आपके मॉडल से आए हुए हैं। इसलिए बेस्ट यही है कि इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करो बढ़िया करके, और यही जो है आपको नंबर दिलवा के जाएंगे। चलिए साहब यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर। चलो साहब यहाँ तक हो गए, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 8 क्वेश्चन हो गए। अब नवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो पिरोल में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, देखो जितने भी आपके 5 मेंबर रिंग वाले हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जैसे फ्यूरेन हो गया, थायोफिन हो गया, फ्यूरेन, थायोफिन, पिरोल, ये सब क्या है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो जितने भी 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उन सब में 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये ध्यान देना, जिसकी वजह से वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, हकल रूल का पालन करते हैं, ठीक है। ये यार ये थ्योरी वाइज जब पढ़ोगे ना आप, जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, रियलिटी बता रहा हूँ। थ्योरी पढ़ के इन एमसीयू करना अलग ही बात होती है बिल्कुल। तो अब इसका राइट आंसर बता दो, मैंने बोल दिया आपको जितने भी 5 मेंबर्ड रिंग होती हैं सब में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 6 होती है। तो चाहे पिरोल पूछ ले आपसे, या फ्यूरेन पूछ ले आपसे, या आपसे पता कर ले थायोफिन पूछे भाई कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्टली आंसर बोलना कि सर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए साहब दी गई अभिक्रिया में उत्पाद एक्स है, पहले तो ये बताओ ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, ये फॉर्मूला किस चीज़ का होता है मेरे दोस्त। और एक खास बात और, जितने भी फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उसका प्रत्येक एटम, चाहे कार्बन एटम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो रिंग में एटम प्रेजेंट होते हैं वो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इस बात को दिमाग में और फांस लो एक बार, ठीक है। अब जरा दी गई अभिक्रिया में उत्पाद एक्स है, तो हमारा इसका नाम है फ्यूरेन, जब एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो HCl+ क्या बनेगा, तो यहाँ से एच, यहाँ से सीएल बाहर निकाल दो और बन के तैयार हो गया मेरे पास कंपाउंड बी, ठीक है, क्या बन गया मेरे पास कंपाउंड बी। और इनकी बेस्ट पोजीशन जो होती है ना, इनकी जो बेस्ट पोजीशन होती है, इनकी फेवरेट पोजीशन, जैसे आप कहीं घूमना पसंद करते हैं कि यार मेरी फेवरेट जगह वो है, मैं वहाँ जाऊँगा घूमने के लिए, ऐसे ये जो रिएक्शन करते हैं जितने भी 5 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये ऑक्सीजन एटम को हम बन गिनते हैं, ध्यान देना इस ऑक्सीजन एटम को हम बन गिनते हैं, तो ये एक ये होता है, ये दूसरा होता है, 2, 3, 4, 5, 2, 5, 2, 5, यानी कि यहाँ और यहाँ 2, 5 पोजिशन इनकी फेवरेट होती है, हर एक ये रिएक्शन जो है 2, 5 पोजिशन पर करना पसंद करते हैं, सब जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं सब की सब ये 2 और 5 पे करना पसंद करते हैं, ये इनकी फेवरेट पोजिशन होती हैं। पेपर में आए तो ध्यान देना चाहिए, पिरोल पूछ ले कि पिरोल की अवस्था है, या पिरोल निम्नलिखित अभिक्रिया देता है, या कैसे भी अगर पूछे और उसमें लिखा हुआ मिले ऑप्शन में 2, 3, यानी कि 2, 5, 2, 4, 2, 3, तो डायरेक्टली आंसर 2, 5 पोजिशन पर लगा आना है। जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं सब 2, 5 पोजिशन पर होती हैं, चाहे पिरोल हो, फ्यूरेन हो, या थायोफिन हो। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं, तो हमारा राइट आंसर कौन सा, ये वाला बन गया। अच्छा विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की अवस्था होती है, मैंने बोल दिया कोई सा भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आप उठा के देख लो, रिंग का प्रत्येक मेंबर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इस पे लाइन पे ध्यान देना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ना उसमें sp पाया जाएगा, ना sp3 पाया जाएगा, dsp2 कुछ नहीं पाया जाएगा, सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कौन सा होता है बेटा, sp2 होता है। विषम चक्रीय यौगिक में विषम परमाणु की संकरण अवस्था होती है, कौन सी होती है, sp2 होती है। कौन सी होती है बेटा, sp2 होती है, दिमाग में फांस लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल पेपर में फंस सकता है। चलिए साहब नया क्वेश्चन में देखता हूँ, किबनोलीन है, क्या ये एक बेस है, क्या ये एक एसिड है, और अगर बेस है
तो कौन सा है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है? अगर ये एसिड है तो कौन सा है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है? जल्दी बताओ, देख के इसका राइट आंसर बताओ। तो हमारा राइट आंसर जो है वो ये है, एक प्रबल क्षार है। ठीक है, क्या बेटा, ये एक प्रबल क्षार होता। किबनोलिन क्या है, एक प्रबल क्षार होता, क्योंकि इसमें एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है, और जहाँ नाइट्रोजन एटम आ गया, समझ लेना लगभग लगभग वो क्षारीय प्रॉपर्टी शो करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर होता है, और जब नाइट्रोजन एटम लोन पेयर को बाहर निकालता है तो जाके वो क्या करता है, एक बेस की भांति बिहेव करता है, यानी कि एक क्षार की भांति बिहेव करता है। सारी कहानी नाइट्रोजन की होती है। चलिए साहब आगे देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 11 12 क्वेश्चन हो गए। तो किबनोलिन क्या बेटा, एक प्रबल क्षार होता है। बढ़िया क्वेश्चन है, और थ्योरी में ना पढ़ा हो ना तो आइसो किबनोलिन और किबनोलिन दोनों अच्छे टॉपिक हैं। इनका ऑक्सीकरण, इनकी रिएक्शन बनाने की विधियाँ, इंडोल वगैरह, ये सब थ्योरी में पढ़ो, तब जाके ये MCQ कर पाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि MCQ पैटर्न है आपका। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई थ्योरी मत पढ़ो। अब बच्चे क्या हैं भैया, मॉडल पेपर पकड़ा दिनेश का और याद करे फिर रहे हैं कि हाँ इसका राइट आंसर ये होगा, इसका राइट आंसर ये होगा, इसका राइट आंसर ये होगा, जबकि थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ी है। जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक जो है ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग। तो किबनोलिन है मेरे पास, एक प्रबल क्षार है। ठीक है, चलिए साहब नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हेट्रोसाइक्लिक है? जल्दी बताओ, आपका दिमाग ना देखो कहाँ पहुँचा होगा, मुझे पता आपका दिमाग सबसे पहुँच रहा होगा कि यार निम्न में से कौन हेट्रोसाइक्लिक है। तो अधिकांश बच्चे इस पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। थायोफिन और पिरिडीन नाम है इसका, ये भी हमारी एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसका मतलब है ये और ये दोनों सही हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, बिल्कुल राइट हो गया। निम्न में से कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है? तो कौन सा हेट्रोसाइक्लिक है बेटे, ए और बी दोनों। ठीक है, याद कर लो ठीक से, ए और बी दोनों, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। चलिए साहब आगे, अब ये रिएक्शन है आपकी, इस रिएक्शन में थोड़ी सी गलती हुई है कहीं ना कहीं, और वो गलती पता कहाँ हो रही है, वो गलती हो रही है हमारी यहाँ पर, रिंग बनानी पड़ेगी अंदर। ठीक है बेटा, ये रिंग बनानी पड़ेगी तब जाके हमारा कंपाउंड पूरा होगा। चलिए साहब, उत्पाद बी कौन सा बनेगा? तो उत्पाद बी मैं डायरेक्ट लिखवा दे रहा हूँ बिना कुछ बनाए, पहले प्रोडक्ट ए बनेगा। जब यहाँ से आप NH3 बाहर निकालोगे, NH3 बाहर निकालोगे तो प्रोडक्ट ए बनेगा, फिर CO2 बाहर निकालोगे तो लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इंडोल। तभी तो बोल रहा हूँ ये इंडोल बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इंडोल, क्विबनोलिन और आइसो क्विबनोलिन दोनों टॉपिक पढ़ लो, तीनों पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है। तो इंडोल बनेगा, इंडोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके पेपर थ्योरी वाइज है इस साल, तो इंडोल पढ़ो बढ़िया करके। ठीक है, तो ये इंडोल हमारा राइट आंसर है। चलिए साहब, कौन सा यौगिक एरोमेटिसिटी नहीं शो करता, एरोमेटिकता नहीं दर्शाता, बताओ। इन चार कंपाउंड है, चार कंपाउंड में से एक ऐसा कंपाउंड होगा जो एरोमेटिक गुण नहीं शो करेगा, बाकी तीन के तीन एरोमेटिक गुण शो करेंगे। अब ज़रा मुझे बताओ ये कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है यार, कहाँ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, बस आपके बनाने की बात है। आप चाहो तो इसे डिफिकल्ट बना दो, चाहो तो इसे इजी बना लो। ठीक है, तो पढ़ो मेहनत करो यार। तो कौन सा यौगिक एरोमेटिकता नहीं दर्शाता, एरोमेटिसिटी शो नहीं करता, बताओ ज़रा। क्या पायरोल शो नहीं करता? जिंदा पायरोल जो है बिल्कुल एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पिरिडीन बिल्कुल शो करता है, किबनोलिन बिल्कुल शो करता है। ठीक है, पिपेरिडीन ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है, ये पिपेरिडीन जो है ना, ये जो है पिपेरिडीन, ये एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। चलिए साहब, 4,4-डाइपिरिडिल व्युत्पन्न है, 4,4-डाइपिरिडिल व्युत्पन्न है, क्या अनुसार आ जरा बताओ जरा। 4,4-डाइपिरिडिल व्युत्पन्न है, क्या इंडोल है, पायरोल है, पिरिडीन है, किबनोलिन है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इनमें दिमाग लगाना पड़ता है कि यार इसमें कौन सा कंपाउंड हमारा क्या है, 4,4-डाइपिरिडिल व्युत्पन्न है। ये क्वेश्चन ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, बताओ जरा बेटे, 4,4-डाइपिरिडिल व्युत्पन्न है, कौन सा है, इंडोल है, पायरोल है, या पिरिडीन है, या फिर किबनोलिन है? जल्दी बताओ कौन सा मेरे पास 4,4-डाइपिरिडिल है। तो इसका मतलब है मेरे पास राइट आंसर कौन सा है बेटे, पिरिडीन है। ठीक है, तो पिरिडीन जो होता है ना, वो 4,4-डाइपिरिडिल है। कुछ तो तुक्के भी चल जाते हैं आपके, बढ़िया करके देखो, जैसे लग रहा है कि यार पिरिडील है तो पिरिडीन का मतलब हो रहा है, तो समझ जाना कि यार ये यही हमारा राइट आंसर होगा। कुछ तो इस तरह से भी तुक्के लगा लेते हैं, और आप भी थोड़ा बहुत ऐसा करके सीखना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा ना तो क्वेश्चन पढ़ लो बढ़िया करके, और लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन की मैचिंग जो है हमारे इस ऑप्शन से हो रही है, बस टिक मारिए, वही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए साहब, यहाँ तक का स्क्रीन शॉट लें और 7-8 क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए साहब, होगा यहाँ तक 16 क्वेश्चन। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं 17वां क्वेश्चन। ठीक है, अब 17वां क्वेश्चन जरा चेक करें, संरचना सूत्र CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, जरा बताओ बेटे ये फॉर्मूला किस चीज़ का है।
याद है ना? अरे यार, अबे भाई ये जो फॉर्मूला है वो है फ्यूरोन का, ठीक है, याद कर लो ठीक से। फ्यूरोन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त ये वाला, जहाँ ओ लग गया फ्यूरोन बन गया, जहाँ एन लग गया ठीक है फाइव मेंबर्ड में पायरोल बन गया, और जहाँ आपका एस लग गया थायोफीन बन गया। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कभी सोचोगे यार ये बिल्कुल पहाड़ है और हमसे खोदा नहीं जाएगा, बड़ा इजी टॉपिक है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। चलिए साहब, किमनोलिन की तुलना में आइसो किमनोलिन होता है, दोनों भाई बहन है ये, जरा बताओ मुझे किमनोलिन की तुलना में आइसो किमनोलिन होता है, ये भी क्षारीय होता है ये भी क्षारीय होता है, दोनों के दोनों होते क्षारीय हैं बेटा, दोनों के दोनों क्षारीय होते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन होता है? अब भैया ये देखो नाम भी छोटा है, इसका नाम भी बड़ा है, तो ये बड़ा ही होगा, तो ये बेटा प्रबल क्षारीय होता है। कैसा होता है ये? प्रबल क्षारीय, यानी किमनोलिन की तुलना में आइसो किमनोलिन है प्रबल क्षारीय, ठीक है, हो जाएगा ना कंप्लीटली याद, पक्का सोच लो। तो बढ़िया करके इन क्वेश्चन को आप नोट करना, अपने मॉडल में टिक लगाना, और यही क्वेश्चन आप बढ़िया करके रिपीट करते रहना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हकल नियम का पालन नहीं करता? अब चार का चार ऑप्शन है, इन चार में से हकल नियम का पालन कौन नहीं करता जरा मुझे बताओ। देखो दो दो चार दो छः, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और एक लोन पेयर जो होता है हमारा वो एक लोन पेयर जो होता है हमारा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, मतलब छोड़ो आगे ठीक है। ये भी क्या होता है मेरे पास, ये भी मेरे पास क्या होता है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, करते हैं हकल नियम का पालन करते हैं, दो दो चार दो छः बेंजीन है, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं करते हैं, लेकिन यहाँ दो दो चार दो छः दो आठ, आठ पाई इलेक्ट्रॉन है और ये हकल नियम का पालन नहीं करता, इसीलिए भैया हमारा राइट आंसर कौन सा है, यह वाला, कि ये हकल नियम का पालन नहीं करता है। दो विषम परमाणु वाला यौगिक है, यार अब तक एक विषम परमाणु वाला हमने यौगिक पढ़ा, लेकिन अब देखने मिल रहा है दो विषम परमाणु वाला यौगिक। दो विषम परमाणु मतलब ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो हेट्रोकम एटम्स हो, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन ही प्रेजेंट हो, या दो दो ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट हो, बताओ ज़रा, यानी कि दो हेट्रो एटम प्रेजेंट होने चाहिए। तो हमारा पिरिमिडीन, अरे नहीं यार फ्यूरोन नहीं यार, पिरिडीन नहीं यार, हमारा राइट आंसर कौन सा, ऑक्साजोल, इसका नाम ही ऐसा। तो तभी तो कह रहा हूँ कुछ तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तुक्के लगा के करा सकते हो, एक दो जो लग रहा है कि भाई ये राइट आंसर होगा। देखो मिल रहा ऑक्साजोल, दो विषम परमाणु वाला ये होगा कौन सा, ऑक्साजोल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए साहब, फ्यूरोन का अणुसूत्र है, आप मिला लो, ये फ्यूरोन है मेरे पास, तो अणुसूत्र देखो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार ओ, तो C4H4O, ये भी कुछ दिमाग लगा सकते हो, हमारा राइट आंसर डी नंबर है इसका, C4H4O। कितने इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, इजी इजी, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं बनता आपका। चलिए साहब, किबनोलिन है, किबनोलिन क्या है, वन एजो नेप्थलीन है, अल्फा बीटा बेंजो पिरिमिडीन है, टू थ्री बेंजो पिरिडीन है, ऊपर एक सभी क्वेश्चन तो ऐसे फंसते हैं, दिमाग जहाँ घूमता है वो क्वेश्चन हमारा ये वाला है किमनोलिन का, यहाँ हमारा दिमाग घूमेगा कि यार इसका राइट आंसर कौन सा होगा। अब इसमें लिखा हुआ उपरयुक्त सभी, कुछ का दिमाग इस पर जा रहा होगा, यार उपरयुक्त सभी जहाँ भी आता है लगभग लगभग राइट आंसर होता है, कुछ का दिमाग यहाँ घूम रहा होगा, और कुछ का दिमाग इसमें, कुछ का दिमाग इसमें, राइट आंसर हमारा उपरयुक्त सभी, यानी कि किमनोलिन इन सभी नामों से जाना जाता है, अंदाजा लगा लो आप, किबनोलिन जो होता है वो इन सभी नामों से जाना जाता है मेरे दोस्त, इस पे लाइन पे ध्यान देना। और अल्फा बीटा बेंजो, अल्फा मतलब दो तीन नंबर, ठीक है, कितना इजी है, तो लगभग लगभग मेरे पास सभी सही हैं, तो उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, यानी कि इन सब नाम से हम किबनोलिन को जानते हैं। अच्छा, थायोफिन की अनुनाद संकर संरचनाओं की संख्या, थायोफिन है तो बहुत छोटा, लेकिन भैया इसके संरचनाओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक क्षारीय है, जल्दी बताओ बेटा कौन सर्वाधिक क्षारीय है, पिरिडीन पायरोल एनिलीन, और इनमें से कोई नहीं, कौन सा ज़्यादा क्षारीय है, तो पिरिडीन जो है मेरे पास राइट आंसर है। पिरिडीन क्या होता है बेटा, अधिक क्षारीय होता है। कुल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पे, 24 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है, चार क्वेश्चन मैंने फालतू लिए हैं ताकि आप इन क्वेश्चन को बढ़िया करके प्रिपेयर कर सको। तो थायोफिन की अनुनाद संकर संरचनाओं की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, इसको याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय है, पिरिडीन, पिरिडीन क्या होता है, सर्वाधिक क्षारीय होता है। चलिए साहब, इन क्वेश्चन को आप तैयार करो अच्छी तरह से, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो लगभग लगभग पेपर में आने वाले हैं, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस साल पेपर में आ भी चुके हैं, ठीक है, आप देख लो कि पेपर कैसे बनता है, ठीक है। चलिए साहब, अब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।